चलिए अब आपको कुछ पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं जो समाज में अच्छे बदलाव और सकारात्मक सोच के लिए बेहद जरूरी है। उज्जैन में नागदा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की वजह से एक यात्री की जान बच गई। अफसर खान नाम का यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर फिसल जाने की वजह से वो ट्रेन में घिसटने लगा। तभी आरपीएफ कांस्टेबल अजय राव ने बहादुरी दिखाते हुए अफसर खींच लिया और उसकी जान बच गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश देने के लिए दो पेड़ों की शादी कराई जा रही है। पेड़ों की शादी में हल्दी, संगीत, मेहंदी और शादी की सभी रस्में होंगी। शादी के लिए बकायदा कार्ड भी छपवाए गए हैं। पेड़ों की शादी यहाँ के प्राइमरी स्कूल से रिटायर दीनानाथ पाठक इसलिए करा रहे हैं ताकि आगे भी पेड़ों की देखभाल हो। आईआईटी के 50 छात्रों ने नौकरी छोड़कर बहुजन आजाद पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। पार्टी के लोगों के मुताबिक वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक पार्टी को मंजूरी नहीं दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 80 साल के महमूद अहमद ने संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास की कई रचनाओं को उर्दू में अनुवाद किया है। महमूद की इस उपलब्धि के लिए उन्हें उर्दू का राष्ट्रीय साहित्य अवार्ड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सिस्टर नव्या कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रही हैं। वो कुष्ठ रोगियों के इलाज के साथ उनके खाने पीने का इंतजाम भी करती हैं। सिस्टर नव्या कुष्ठ रोगियों के बच्चों, भीख मांगने वाले बच्चों और अनाथ बच्चों को भी शिक्षित करने में जुटी हैं।